स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर में आपके यहाँ चार चैप्टर्स हैं, चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव, चैप्टर सिक्स और चैप्टर सेवन। चैप्टर फोर आर्टिकल्स मैं आपको करा चुकी हूँ, समझा दिया गया है आपको। चैप्टर फाइव भी आपको नाउंस करा दिया गया है। चैप्टर सिक्स भी बच्चों मैं आपको नाउन सिंगुलर प्लूरल बता चुकी हूँ, नाउंस नंबर, और चैप्टर सेवन ये आपका अभी रिमेन है। तो अब ये जो आपका चैप्टर सेवन है नाउंस जेंडर, ये मैं आपको करा रही हूँ बच्चों। ये चैप्टर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आप क्लास छोटी में भी पढ़ते हुए आते हैं, यूकेजी में पढ़ते हैं आप, हिंदी में लिंग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं आप जेंडर। थोड़ा अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं बच्चों, इसलिए अब आपको जेंडर के दो की जगह चार प्रकार बताए जाएंगे। बच्चों चैप्टर को केयरफुली सुनेंगे, जो बच्चे ग्रामेटिकल पोर्शन को ध्यान से सुन लेते हैं, एक भी स्टेप को मिस नहीं करते हैं, तो बच्चों उनको बहुत क्लियर हो जाती हैं सब बातें। लेकिन जो बच्चे इधर उधर ध्यान लगाते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, क्लास में भी केयरफुली होकर पढ़ते नहीं हैं, उनको थोड़ा समझ में कम आता है। तो बच्चों वीडियो आपके पास जा रही है, आप वीडियो को दो बार चार बार बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले जेंडर, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब बच्चों मैस्कुलिन जेंडर को मेल जेंडर बोलते हैं, फेमिनिन को फीमेल बोला जाता है, कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं लिविंग थिंग्स, और न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स पुट किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इनको डेफिनेशन से क्लियर करते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर में क्या क्या आएगा। मैस्कुलिन जेंडर नंबर वन है आपका, ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए मेल लिविंग बीइंग इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। वह नाउन जो कि मेल लिविंग बीइंग को स्टैंड करता है, को बताता है, उसको शो करता है, वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे मैस्कुलिन मैंने आपको बताया पुरुष वर्ग, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है, माई ब्रदर इज गोइंग फॉर ए वॉक, मेरा भाई वॉकिंग के लिए जा रहा है। तो जो वर्ड यहाँ पर भाई है ये क्या है, ब्रदर क्या है, यहाँ पर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन है ब्रदर, कोई भी भाई हो सकता है। तो बच्चों ये जो ब्रदर वर्ड है यहाँ पर, ये मैस्कुलिन जेंडर को बता रहा है, इसीलिए हमने ब्रदर के पीछे अंडरलाइन करके उसको मैस्कुलिन जेंडर में शो कर दिया। नंबर टू, राज वियर्स ट्राउजर्स। अब राज क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन है, और राज को क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है, इसीलिए हमने उसके नीचे अंडरलाइन कर दी। इसके बाद नंबर थ्री, हर अंकल लिव्स इन आगरा, उसके अंकल उसके चाचा आगरा में रहते हैं। तो जो यहाँ पर ये अंकल वर्ड है, ये अंकल यहाँ पर किसको बता रहा है बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर को बता रहा है, चाचा। अंकल मैं आपका चाचा हूँ, ताऊ जी हूँ, मामा हूँ, है ना, कोई भी हो सकते हैं। तो लेकिन वो मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने अंकल को अंडरलाइन कर दिया। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा मैस्कुलिन जेंडर। देखिए जैसे मैस्कुलिन जेंडर के मैं आपको और भी एग्जांपल्स बता दूं, ये टाइगर, ठीक है, सन बेटा, लॉयन हो गया आपका, डॉग हो गया, बुल हो गया, बॉय है, हीरो है ना, जेंटलमैन है, या बच्चों किंग है, मैन है ना, फादर है, जैसे आपके ग्रैंड फादर हो गए, ये सभी आपके मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। इसके बाद बच्चों नंबर टू में देखेंगे ज़रा, यहाँ पर आ जाइए फेमिनिन जेंडर पर, नंबर टू पर, ये रहा आपका फेमिनिन जेंडर। देखिए फेमिनिन जेंडर को देखते हैं बच्चों, अब हम यहाँ जाइए फेमिनिन जेंडर, ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए फीमेल लिविंग बीइंग इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर। वह नाउन, वह संज्ञा जो कि फीमेल लिविंग बीइंग को शो करती है, स्टैंड करती है, उसको फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। केवल एक ही वर्ड का फर्क है बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर में मेल को शो करती है लिविंग बीइंग को, और फीमेल जेंडर में किसको, फीमेल को शो करती है फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। जैसे एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी बात आपको। नंबर वन, हिज मदर कुक्स यमी फूड, उसकी मम्मी टेस्टी खाना बनाती है, यमी फूड बनाती है। तो जो यहाँ पर मदर वर्ड है बच्चों, वो यहाँ पर फेमिनिन जेंडर को शो कर रहा है, फीमेल को शो कर रहा है, इसीलिए हमने मदर को अंडरलाइन कर दिया। नंबर टू, काउ गिव्स अस मिल्क, काउ दूध देती है। तो जो यहाँ पर काउ वर्ड है, गाय, ये क्या है यहाँ पर, फीमेल है, इसीलिए हमने इसको फेमिनिन जेंडर में पुट किया। इसके बाद क्वीन लिव्स इन द पैलेस, रानी पैलेस में, महल में रहती है। तो जो क्वीन वर्ड है यहाँ पर, ये फीमेल जेंडर को बता रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको फेमिनिन जेंडर में पुट किया। और भी बच्चों मैं आपको फेमिनिन जेंडर के एग्जांपल्स दे दूँ और आप समझ भी गए होंगे, जैसे सिस्टर है ना, जैसे बिच, काउ का जैसे डॉग का बिच होता है ना, गर्ल है ना,
मेयर, जैसे आपका हो गया सर तो हो गया आपका मैस्कुलिन में, और मैडम हो गया आपका फेमिनिन में। जैसे किंग मैंने आपको मैस्कुलिन में बताया था, और आपका फेमिनिन में हो गया क्वीन। जैसे कॉक, कॉक तो हो गया मैस्कुलिन में, और कॉक का अपोजिट हो गया हैन, तो ये हो गया मुर्गा मुर्गी, ठीक है, वो फेमिनिन में आ गया। ऐसे बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे आंट, आंट आपका फेमिनिन में हो गया, क्योंकि अंकल आपके किस में थे, मैस्कुलिन में थे, और आंट किस में हो गए, फेमिनिन में हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बच्चों नंबर 3, कॉमन जेंडर पर देखते हैं। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, ए नाउन दैट इज दैट स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल लिविंग बींग्स इज सेट टू बी कॉमन जेंडर। वह नाउन, वह संज्ञा जो कि मेल और फीमेल दोनों लिविंग बींग्स को बताती है, वो कॉमन जेंडर कहलाती है। एग्जाम्पल से देखेंगे समझ में आ जाएगा। द चाइल्ड इज वीपिंग लाउडली, बच्चा जोर से रो रहा है ना, जोर जोर से रो रहा है। तो जो चाइल्ड वर्ड है यहाँ पर बच्चों, जो चाइल्ड नाउन वर्ड है यहाँ पर, ये बच्चा में, अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, हमें पता नहीं है, इसलिए हमने चाइल्ड को कॉमन जेंडर में पुट किया। इसके बाद माय कजिन्स आर कमिंग, मेरे जो कजिन्स हैं वो आ रहे हैं। अब कजिन्स में ये नहीं पता कि भाई आ रहे हैं बहन आ रहे हैं, दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए जब हमें पता नहीं होता है तब हम वहाँ पर कॉमन जेंडर को पुट करेंगे। इसके बाद नंबर 3, टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, अब टेलर कपड़े सिलता है, अब टेलर में वो दर्जी भी हो सकता है, वो दर्जन भी हो सकती है ना, इसीलिए हमने टेलर को अंडरलाइन करके ये शो किया कि ये कॉमन जेंडर है। इसके बाद नंबर 4, माय क्लास इज 40 स्टूडेंट्स, अब 40 स्टूडेंट्स जो वर्ड है यहाँ पर, स्टूडेंट्स में बच्चों ये नहीं पता कि वो छात्र हैं या छात्राएँ हैं, वो बॉयज़ हैं या वो गर्ल्स हैं, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस चीज़ में पुट किया, कॉमन जेंडर में पुट किया। इसके बाद बच्चों एक जेंडर और है, इस वाले जेंडर को न्यूट्रल जेंडर के नाम से जानते हैं, नंबर 4 है ये। ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर, जो नाउन नॉन लिविंग थिंग को बताता है वो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। देखो इसको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी आपको बात। ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक पेन है, अब पेन क्या है यहाँ पर, थिंग है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए हमने इसको न्यूट्रल जेंडर में पुट किया। आई रीड ए बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, अब बुक क्या है यहाँ पर, नाउन है और नॉन लिविंग थिंग भी है, इसीलिए हमने यहाँ पर बुक को न्यूट्रल जेंडर में पुट किया। नंबर 3, दिस नाइफ इज शार्प, वह नाइफ शार्प है, तो नाइफ को हमने यहाँ पर, क्योंकि वो नाउन है और थिंग है, इसलिए हमने, और नॉन लिविंग थिंग भी है, इसीलिए हमने नाइफ को न्यूट्रल जेंडर में पुट कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे, मेल फीमेल और कॉमन जेंडर और नॉन लिविंग थिंग वाला न्यूट्रल जेंडर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ये आपका यहाँ पर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। आपको चारों चैप्टर 4, 5, 6, 7 कॉपी में फिल करने हैं, ठीक, नोट डाउन करने हैं, और जो बुक वर्क आपको भेज दी गई है बुक वर्क भी फिल करनी है। नेक्स्ट टर्न पर अब आपको जेंडर चैप्टर का, चैप्टर 7 का बुक वर्क सेंड किया जाएगा। आपको वैसे खुद भी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों जब आप कॉपी में समझ लेते हो तो बुक वर्क आप इजीली फिल कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे समझते हैं वीडियो को सुनते हैं वो तो कर लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, शौक लगता है कि हमने बुक में कॉपी में चैप्टर समझा, बुक में हमें सेल्फ फिल करना है। और जो जब टीचर भेजती है तो वो उसको मैच कर लेते हैं, जहाँ मिस्टेक्स होते हैं करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए मैं भी आपको सेंड करूँगी, जिन जो बच्चे कर लें वो मैच कर लें, जो नहीं करेंगे वो अपने वर्क को डन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।